सर आप लोग भी यहाँ पर 5G को इस्तेमाल करते हैं और आप लोग यहाँ पर वेस्ट बंगाल के कोलकाता और हावड़ा के अंदर रहते हैं, तो आप सभी के लिए यहाँ पर जियो 5G जो स्टार्ट हो चुका है। हमारे दो यहाँ पर सब्सक्राइबर है, एक का नाम है अनुज और एक का नाम है यहाँ पर शुभ। इन दोनों लोगों ने जो है मुझे यहाँ पर हमारे टेलीग्राम ग्रुप के अंदर बताया कि उनके डिवाइसेज के अंदर जो है अभी से जो है जियो 5G जो है वो शो करने लग रहा है और स्पीड काफ़ी तगड़ी यहाँ पर निकल के आ रही है। जितना इन लोगों ने जियो 5G वालों ने टीजर दिखाया था ना 1.3 GBPS, उससे भी ज़्यादा स्पीड यहाँ पर निकल के आ रही है और ये काफ़ी शानदार बात है। तो आप सभी को जो है मैंने यहाँ पर इसकी वैलिडिटी के बारे में बताऊंगा कि जो 5G जो है वो कब तक यहाँ पर रहने वाला है, उसकी वैलिडिटी कितने दिन की यहाँ पर देखने को मिलेगी, ये सारी इन्फॉर्मेशन आप सभी को प्रोवाइड करूंगा। तो लास्ट तक इस वीडियो को वॉच करिए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा यहाँ पर चैनल को। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। यहाँ पर बात कर लें, ये दोनों जो हमारे सब्सक्राइबर है इन दोनों का जो है एक हावड़ा से है और एक यहाँ पर कोलकाता से है, ठीक है। तो हावड़ा वाले जो सब्सक्राइबर है उनके डिवाइस के अंदर भी यहाँ पर जो है उनके पास रेडमी नोट 11T है, उनके डिवाइस में यहाँ पर 5G चल रहा है। उन्होंने मेरे पास स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी भेजी है जिसमें 900 Mbps, 1.3 GBPS, 1.4 GBPS तक की भी स्पीड आ रही है। और एक हमारे कोलकाता से जो सब्सक्राइबर है शुभ नाम है, उनके यहाँ पर डिवाइस के अंदर जो है 1.8 GBPS की यहाँ पर स्पीड देखने को मिल रही है, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है। और यहाँ पर मुझे याद है कि जियो वाले ने जब यहाँ पर लॉन्च किया था जियो 5G को, उस समय जो टीजर्स वगैरह निकल के आए थे कि स्पीड की उसके अंदर 1.3 GBPS तक स्पीड जा रहा था, बट यहाँ पर आप यही स्क्रीनशॉट देखिए 1.8 GBPS की स्पीड यहाँ पर जा रही है जियो 5G के अंदर, जो कि काफ़ी ज़बरदस्त है। ये एयरटेल की तरह नहीं है, यहाँ पर आपको जियो वाले ट्रू 5G यहाँ पर दे रहे हैं, जिस कारण आपको एक असली वाली 5G स्पीड यहाँ पर देखने को मिलती है। साथ में यहाँ पर जिन लोगों को सिलेक्ट करा गया है उन सभी के लिए यहाँ पर व्हाट्सएप के ऊपर एक मैसेज भी शेयर किया जा रहा है। आप स्क्रीन के ऊपर ये मैसेज देख लीजिए, यहाँ पर जो हमारे एक सब्सक्राइबर है शुभ नाम है इनका, इनके पास यहाँ पर व्हाट्सएप पर मैसेज आया कि आपको जो है यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया गया है। आपको याद होगा कि मैंने यहाँ पर पिछले महीने की वीडियो बनाया था जिसमें आपसे कहा था कि जियो का वेलकम ऑफर आया हुआ है, उस समय फोरम वगैरह यहाँ पर जो है दिखा रहा था माई जियो ऐप के अंदर, उस समय मैंने वीडियो बनाकर बताया था। बहुत सारे जो मेरे सब्सक्राइबर जो दिल्ली, वाराणसी, मुंबई और कोलकाता में रहते थे उन सब ने यहाँ पर फोरम को फिलअप किया था माई जियो ऐप के अंदर जाके। तो अभी क्या है कि दिल्ली, मुंबई और वाराणसी के अंदर जो है अभी तक यूजर्स को सही तरीके से जियो 5G देखने को नहीं मिल रहा, और हमारे एक भी दिल्ली के सब्सक्राइबर ने जो है हमारे पास जो है शेयर नहीं किया। हालांकि ग्रुप में पूछते रहते हैं कि भाई दिल्ली के अंदर यहाँ पर कब देखने को मिलेगा, बट अभी तक दिल्ली के अंदर किसी भी सब्सक्राइबर को जो है मेरे यहाँ पर देखने को नहीं मिला है। बट कोलकाता और हावड़ा के अंदर जो है ये स्पीड यहाँ पर आनी स्टार्ट हो चुकी है और मेरे जो सब्सक्राइबर है उनको यहाँ पर मिलना स्टार्ट हो चुका है। तो स्पीड काफ़ी ज़्यादा मैं देख के शौक हूँ कि 1.8 GBPS की स्पीड है और वो भी अनलिमिटेड 5G स्पीड यहाँ पर देखने को मिलती है। रही बात इसकी वैलिडिटी कब तक यहाँ पर रहने वाली है, तो देखिए जब तक आपके स्मार्टफोन में जो रिचार्ज का प्लान चल रहा था, जियो का रिचार्ज प्लान जो बेस जो स्टार्ट होता है वो 28 दिनों के लिए जो 1.5 GB per day मिलता होता है, उसकी जो वैलिडिटी रहती है 239 रुपये से स्टार्ट होता है और 28 दिन की वैलिडिटी रहती है। तो जितना भी पैक आपने रिचार्ज करा रखा है, आपने 4G का कोई भी प्लान का रिचार्ज कर रखा है, उसकी जितने दिन की वैलिडिटी रहेगी आपके फ़ोन के अंदर, जैसे मान लो कि मैंने 666 रुपये का जियो का रिचार्ज करा रखा है जिससे मुझे 84 दिन यहाँ पर नेट मिल रहा है 1.5 GB per day 4G वाले प्लान की बात कर रहा हूँ, तो उसकी वैलिडिटी जब यहाँ पर एक्सपायर होगी उसी दिन जो आपके 5G वाले की भी एक्सपायर हो जाएगी। कहने का मतलब यह है कि 5G यूज़ करने के लिए आपके डिवाइस में जो 4G वाला जो प्लान रहता है वो यहाँ पर रन करना चाहिए, ठीक है। अगर आप यहाँ पर कोलकाता और हावड़ा में रहते हो तो आप लोग चेकआउट कर लीजिए, जिसमें हमारे कुछ सब्सक्राइबर लोग जो है जिनका मैंने नाम बताया कि वो लोग यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं कोलकाता और हावड़ा के अंदर, जो कि काफ़ी शानदार बात है कि इन लोगों को फ्री में 5G यहाँ पर मिल रहा है, अनलिमिटेड 5G, जितना चाहे उतना नेट आप लोग इस्तेमाल करिए, काफ़ी अच्छी बात है यहाँ पर। तो यही चीज़ मैं आप लोग समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पर भी सिर्फ बंगाल के अंदर इन दो शहरों के अंदर यहाँ पर देखने को मिला है, तो ये चीज़ काफ़ी बढ़िया लगी कि उन जगह जो है यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है। अब धीरे धीरे बस दिल्ली के अंदर भी और मुंबई और यहाँ पर वाराणसी में भी ये लोग स्टार्ट करते हैं तो काफ़ी बेटर है, क्योंकि अभी तक दिल्ली, मुंबई और वाराणसी से कुछ इतने अच्छे खासे रिजल्ट निकल के नहीं आए, वहाँ पर सही से किसी भी यूजर्स को मिला नहीं, बट यहाँ पर जो है मिलना स्टार्ट हो चुका है। तो वेट करिए, मैंने आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दी कि यहाँ पर व्हाट्सएप के ऊपर भी कई यूजर्स को जो है यहाँ पर मैसेज आया कि आपको जो है सिलेक्ट कर लिया गया है जियो 5G के लिए, जो कि मैंने आपको स्क्रीनशॉट दिखाया। दूसरी चीज़ ये बात भी बताई कि जो वैलिडिटी है 5G की वो तब तक रहेगी जब तक आपके जियो 4G का प्लान आपके डिवाइस में चलता रहेगा, तब तक आपके डिवाइस के अंदर जो है यहाँ पर 5G की उतनी ही वैलिडिटी देखने को मिलेगी, बट आपको डाटा है वो अनलिमिटेड मिलेगा, आपको जितना भी डाटा यहाँ पर यूज़ करना है आप उतना डाटा यूज़ कर सकते हो, अनलिमिटेड आपको 5G देखने को मिलने वाला है। तो जिनके भी डिवाइसेस के अंदर यहाँ पर मिल चुका है जियो 5G आराम से इंजॉय करिए, क्योंकि आपके लिए अनलिमिटेड डाटा जो है अब मिलना स्टार्ट हो चुका है। और बस इतना था इस वीडियो के अंदर, बाकी अनदर जियो के रिगार्डिंग या यहाँ पर 5G के रिगार्डिंग अदर न्यूज़ निकल के आएगी तो मैं आपको वीडियो बनाकर इन्फॉर्म कर दूंगा। तो बस इतना था इस वीडियो में, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।